और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं T3 5G का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट बूट। सो T3 लेने से पहले इसका दो वर्षन है, एक तो T3 लाइट आता है 10,000 रुपए में लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम वीवो, तो उसके बाद आता है T3X विच इज अराउंड 15,000 रुपीज। अब ये बैट रहा है 20,000 रुपए। सो अगर आप एक 20,000 रुपए के आसपास में मोबाइल देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया मोबाइल वीवो ने लॉन्च किया है। तो वीवो T3 5G कैसा है, क्या कुछ है, इस चैनल पर सारा कवर कर दूंगा और ब्रीफ रिव्यूज भी, जैसे कि मैं यूजुअली बताता हूँ, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लेना है या नहीं, वो वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे अनबॉक्सिंग एज वेल एज फर्स्ट बूट। तो अगर आपने लिया है मोबाइल तो कैसे इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं, तो वीवो का T3 5G चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मीडियाटेक का 7200G प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। तो 7200G इसलिए बढ़िया है क्योंकि इस सेगमेंट में जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर इन्होंने यूज किया है, परफॉर्मेंस रिलेटेड हो या फिर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हो, इस चिपसेट से आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो ये है ट्रे सेपरेट अलग से एंड इंस्टेंटली आपको क्लियर केस देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्चुअली कवर यूजुअली जो बॉक्स देते हैं व्हाइट बॉक्स, उसके अंदर ये सारा चीज डालते हैं, लेकिन वीवो ने शायद भूल गए हैं ये डालना या फिर नहीं दिया है। तो ये है वीवो का फ्लैश चार्ज, जो कि 44 वैट्स का फ्लैश चार्ज आपको मिलता है, विच इज अगेन गुड एंड नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि आपको अराउंड 67 वैट्स का 80 वैट्स का भी कॉम्पिटिशन दे रहा है। पोको X6 है और OnePlus का नॉर्ड C4 लाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चार्जर इनसाइड द बॉक्स अलॉन्ग विद द केबल एज वेल एज सिम पिन मिलता है, क्लियर केस भी मिलता है, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि चार्जर आपको बिल्ट इन बॉक्स दे रहे हैं। तो चलिए मोबाइल को देखते हैं फटाफट, इसका फर्स्ट बूट जो है वो कर लेते हैं। तो ये रहा स्मार्टफोन वीवो T3। यूनिक कलर है, यूनिक लुकिंग है, क्योंकि क्रिस्टल फ्लेक इनका नाम दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला तो आपको 50 मेगापिक्सल का f/1.79 एपर्चर वाला कैमरा मिलता है। सोनी IMX882 सेंसर यूज किया गया है, हालांकि अराउंड 20-25,000 रुपीज। और कुछ फोन्स है जैसे कि OnePlus, तो उसमें थोड़ा कॉस्टलियर फोन में भी यही सेंसर यूज किया गया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सेंसर हो, कैसे इन्होंने प्रोसेस एल्गोरिथम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोज कैसे आते हैं उसके ऊपर, राइट। ये सेंसर जो है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, मतलब बोके देने के लिए अच्छी तरह से मदद करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो है फ्लिकर सेंसर है, क्या करता है देखते हैं हम बाद में। फ्लिकर सेंसर यूजुअली हम जैसे वीडियोस खींचते हैं या फिर फोटोज खींचते हैं, जो फ्लिकर आता है 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेट रहता है, उसको मेंटेन करके शायद ये दे सकता है, देखते हैं एक्चुअल में कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर बटन है एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। यूजुअली पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है इस बजट प्राइस रेंज में, लेकिन यहाँ पर इन डिस्प्ले आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पर है 16 मेगापिक्सल का f/2.0 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा। तो ये है वीवो का, लाइक लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली एम्प्टी है, बहुत ही क्लीन स्लीक एंड नीट लुकिंग डिजाइन मैं कहूँगा। एंड एट द बॉटम एज यू कैन सी आपको मिलता है टाइप सी एंड सिम कार्ड यहीं पर है, स्पीकर है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स इन्होंने लगाया है। तो चलिए इसको फटाफट टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं कैसे बूट करते हैं। तो अगर आपने फोन नया लिया है तो कैसे इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं और क्या प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, क्या क्या चीज आपको करना है, इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड इसका वेट जो है क्रिस्टल फ्लेक का, एक्चुअली दो अलग अलग कलर्स है, एक तो क्रिम्सन ब्लू जैसे कि मैं कहा, वहां पर आपको 185.5 ग्राम्स वेट आता है एंड ये क्रिस्टल फ्लेक जो है इसका 188 ग्राम है, थोड़ा वजन इसका है एक्चुअली एंड पकड़ने में भी बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। तो पहला स्क्रीन जो है वो हेलो आता है ऑब्वियसली, थोड़ा मैं स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है पहला स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, यहीं से आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं, मतलब सारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो दूसरे लैंग्वेज में बदल जाएगा। तो हिंदी लगाना है तो यहीं पे लगा देना है, तो सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल वीडियो के लिए हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं। तो इसके बाद है आपको स्टार्ट पर टैप करना है, सबसे पहला लोकेशन है इंडिया ऑब्वियसली, फिर हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई हैव रेड एंड अग्री टू अबव करके टैप करना है, फिर नेक्स्ट जाएंगे। अगर आपके पास वाईफाई है तो अभी कनेक्ट कर दीजिए, सिम कार्ड है तो अभी से यहाँ पर सिम कार्ड निकाल के जो बॉक्स में पिन दिया गया है वहाँ से आप निकाल के सिम यहीं पर इंसर्ट कर दीजिएगा, तो इंस्टेंटली आपको नेटवर्क भी आ जाएगा और वाईफाई भी कनेक्ट करने लगेगा। तो कोई अपडेट्स है तो मोबाइल डेटा से भी वो अपने आप ले लेगा, तो इसीलिए सिम कार्ड अभी आप इंसर्ट कर सकते हैं। या सिम कार्ड भी नहीं डाला है आपने, कोई मेमोरी कार्ड नहीं है या फिर कोई वाईफाई नहीं है, तो सीधा सेटअप ऑफलाइन करके यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है फ्रेशली स्टार्ट करने के लिए, राइट। अभी हमारे पास वाईफाई यहाँ पर है तो हम वाईफाई को कनेक्ट करके आएंगे, चलिए देखते हैं।
सो अभी मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पर आया है। तो यहाँ पर गेटिंग योर फोन रेडी थोड़ा देर तो लगेगा ऑब्वियसली, एंड वाईफाई कनेक्टेड यहाँ पर आपको सिंपल नोटिफाई हुआ है। इसमें आपको 6.67 इंचेस 120 हर्ट्ज एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है विद 1800 निट्स ब्राइटनेस, तो सनलाइट लेजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। ये कॉपी एप्स एंड डेटा, अगर आपके पास दूसरा एंड्रॉइड फोन है आप कॉपी करना चाहते हैं सारा डेटा, यहाँ से आप नेक्स्ट पर टैप करके वहाँ वो फोन में भी आप कनेक्ट करके सिंक करके ट्रांसफर कर सकते हैं सारा डेटा चीज। अभी हम फ्रेश सेटअप करने वाले हैं तो डोंट कॉपी पर टैप करना है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप है साइन इन टू गूगल, ये बहुत जरूरी है आपको साइन इन करना गूगल के लिए, क्योंकि सारे एप्स जो है अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक गूगल अकाउंट जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, तो हमारे पास भी है तो अभी लॉग इन कर देंगे हम। सो जीमेल लॉग इन करने के बाद आपको आता है गेटिंग अकाउंट इन्फो, तो थोड़ी देर वेट करना है आपको। तो आपको क्या करना है, यूज बैकअप बेसिक डिवाइस बैकअप को ऑन करना है, लोकेशन का ऑफ करना है, एंड यहाँ पर सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक इसको भी आपको ऑफ करना है। लोकेशन का ये सारी चीज़ जो है अगर आपको चाहते हैं तो फ्यूचर में आप बाद में भी इसको मोबाइल में ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बैटरी बहुत खाएगा वो सारा चीज़, तो अभी हम इसको ऑफ करके सिर्फ बेसिक जो है वो ऑन करके रखेंगे। तो इसके बाद आपको एक्सेप्ट पर टैप करना है। राइट, यहाँ पर चूज योर सर्च इंजन, ऑब्वियसली हम गूगल का यूज करेंगे, आपको जो चाहिए वो सर्च इंजन आप डिफॉल्ट वाला यूज कर सकते हैं। यहीं पर आपको अनलॉक मेथड है इन डिस्प्ले, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो अभी हम इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर को स्कैन करेंगे। तो कैसे सेटअप करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, चलिए देखते हैं। सेटअप स्क्रीन लॉक, इसको ऑब्वियसली एक पिन देना पड़ता है, पिन पैटर्न या कॉम्प्लेक्स कोई भी आप कर सकते हैं। अभी हम पैटर्न देंगे, एक सिंपल वाला पैटर्न बनाएंगे, तो आपको जो चाहिए वो पैटर्न बनाएगा, उसके बाद सेटअप करना पड़ता है फिंगरप्रिंट। राइट, तो स्टार्ट एनरोलमेंट करके टैप करके आई हैव रेड अग्रीमेंट, एंड अग्री करने के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को पकड़ के, वो वाला फिंगरप्रिंट आप रजिस्टर कीजिएगा। जस्ट आपको टैप करना है, जोर से ऐसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है विच इज़ नाइस। तो हो गया, इसके बाद अगर और एक फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते तो ऐड अनदर भी टैप कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट नेक्स्ट पर टैप करना है। इसके बाद फेस का भी आप कर सकते हैं, यहीं से सेम प्रोसीजर है। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर, यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप है तो कंटिन्यू कर सकते हैं फुली सेटअप, मतलब जो गूगल ऐप्स है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहेगा, तो वो भी कर देंगे हम कंटिन्यू सेटअप, देख लीजिए। तो इसके बाद है गूगल असिस्टेंट, पूछ रहा है अभी सेटअप नहीं करेंगे हम, ओके गूगल का है वो, ये भी बाद में हम कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है डायरेक्टली है, इसको हम स्किप कर देते हैं गूगल पे का। तो यहाँ से एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू गूगल अगर आप करना चाहते हैं तो यहीं पर कर सकते हैं। अगर भूल गया है फिंगरप्रिंट ऐड करना तो ऐड अनदर फिंगरप्रिंट ऑप्शन यहीं पर है। कंट्रोल इन्फो ऑन लॉक स्क्रीन पर क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टेक्स्ट डिस्प्लेस, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट जो है कितना बड़ा चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है विच इज रियली नाइस। आपको सेटअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। राइट, अब ये सारा चीज करने के बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। सेंड यूसेज डायग्नोस्टिक डिसएग्री करते हैं हम इसको। स्मार्ट अपग्रेड ठीक है, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जरूरत नहीं है, लॉक स्क्रीन पोस्टर भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो लॉक स्क्रीन पर बार बार वॉलपेपर चेंज होता रहेगा उसके रिलेटेड है, हमको नहीं चाहिए। TWC क्विक पेयरिंग रहने देते हैं। सॉफ्टवेयर पैरामीटर अपडेट ठीक है, इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। तो कैसे नेविगेशन चाहिए, ये वाला फिजिकल नेविगेशन ऐसे आपको टैप करते हैं या फिर जेस्चर वाला यूज कर सकते हैं, वो दोनों यहीं पर सेटअप कर सकते हैं। अभी हम बटन नेविगेशन लेते हैं स्टैंडर्ड। देखिए फन टच ओएस, कांग्रेचुलेशन गेट स्टार्टेड। फन टच ओएस का लॉगिन वीवो का नहीं पूछा है विच इज रियली सरप्राइजिंग टू मी। तो ये है ऐप स्टोर होम स्क्रीन फॉर द वीवो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं से कुछ स्लाइडर दिखाई दे रहा है विच इज रियली नाइस, जैसे कि सैमसंग का वन UI में देते हैं एज पैनल करके, वो अभी अभी वीवो और ओप्पो इन सारे फोन्स में देखने को मिलता है। तो ये है एज पैनल विच इज रियली नाइस, क्योंकि आप वेरी क्विकली इंस्टेंटली जो पॉपअप एप्स है वेरी क्विकली आप ओपन कर सकते हैं, कहीं पर भी हो आप मोबाइल में कुछ भी करते रहे हो यहाँ से आप इंस्टेंटली ऑन कर सकते हैं ऐप को। शॉर्टकट की समझिए, बहुत ही फ्लूइड है क्योंकि MediaTek Dimensity 7200 का यूज किया गया है विच इज रियली नाइस। सेटिंग्स पर जाते हैं, अबाउट फोन में देखते हैं कौन सा वर्जन रन हो रहा है। फन टच ओएस यस T3 5G विथ MediaTek Dimensity 7200 octa-core 8+8GB है वर्चुअल रैम विच इज रियली नाइस, इसका भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14 चल रहा है। तो क्विकली अगर हम रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे जाते हैं तो एट दी लाइक रैम पर टैप करेंगे तो एक्सटेंडेड रैम ऑलरेडी एनेबल्ड है विच इज रियली नाइस। 8GB+8GB वर्चुअल रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है वीवो फोन, अगर आपने नया लिया है कैसे सेटअप करना है अभी आपने देखा है, जैसे कि मैं कह रहा था कंपटीशन को टक्कर दे रहा है वीवो T3। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस देखिए, आप कंटिन्यूअसली इसके रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, कुछ हेल्पफुल हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।